हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। दोस्तों अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप मुझे स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं लर्न टू ड्राइव के नाम से, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, और यूट्यूब पे ऑलरेडी लर्निंग टू ड्राइव के नाम से और कार नॉलेज बाय राहुल के नाम से मेरे दो चैनल्स हैं। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है, कितने दिन हो गए, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, कौन सी कार से सीख रहे हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आलोक शुक्ला नाम है। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? आज हमारा फोर्थ डे है। फोर्थ डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, क्या क्या सीखा आपने? कितना परसेंटेज आपको ड्राइविंग आ चुकी है अभी तक? आप क्या कहेंगे कि फोर्थ डे में आपको क्या क्या नॉलेज हो गया है? हमें 30% ड्राइविंग आ चुकी है। 30% ड्राइविंग आ चुकी है, तो फोर्थ डे के हिसाब से 30% ड्राइविंग बेस्ट है, क्योंकि डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। जैसे जैसे आप चलाते जाओगे नेक्स्ट डे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। बट ड्राइविंग सीखने के जाने के बाद जो आपके पास 23.5 घंटे, उसमें इस आधे घंटे को कैसे याद करोगे आप? वीडियो देखता हूं, वीडियोस देख के रिकॉल करोगे, ऑब्जर्व करोगे चीजों को, तो वो चीजें आपके माइंड में बनी रहेंगी। ठीक है, ये आधा घंटा आपको जो यहाँ आप एग्जाम देके जाते हो ना, नेक्स्ट डे फिर आपके एग्जाम देते हो, तो ये तैयारी आपकी वीडियोस से होती रहती है। वीडियोस से चीजों को माइंड में रिवीजन करके बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। आधा घंटा वीडियोस देखने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वीडियोस से आपकी कमियां समझ में आ जाती हैं, आपके जो डाउट्स है वो। वीडियो से कोई कार नहीं चलाना आ जाता है, वीडियो से हमें नॉलेज मिल जाता है। हमें जब वीडियोस देखते तो हमें ये पता चलता है हमने क्या मिस्टेक करी थी, अगले ने, उससे जब हम उससे कंपेयर करते हैं तो हमें हमारी कमियां निकल के आती हैं। और आप ड्राइविंग के टाइम में अगर आप सोचो कि मैं सब कुछ सीख जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड यहाँ 10 जगह डाइवर्ट है। मैं ऑन रोड ऑन ट्रैफिक गाड़ी सिखाता हूँ, तो ऑन रोड में क्या होता है ना कि आप जब सामने सारी चीज़ों को फेस करोगे, मोस्टली मेरी जितनी वीडियोज आप देखो ज़्यादातर सिंगल रोडों की होती हैं। डिवाइडर रोड पर सामने से कोई खतरा नहीं होता है, सिंगल रोड पर सामने से खतरा 99% होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है, सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो हमें ड्राइविंग के टाइम सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस करना है, यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखना। भाई इसमें कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है, कोई 50 ईयर्स चला रहा है तो भी वो परफेक्ट नहीं है। अच्छा चालक है, पर अगर वो कहे मैं परफेक्ट हूँ, तो ये चीज़ कभी भी माइंड में मत लाना कि आप 10 दिन में 15 दिन में परफेक्ट हो जाओगे। नहीं, अच्छी ड्राइविंग आ जाएगी, नॉलेज अच्छा हो जाएगा, कंट्रोलिंग अच्छी हो जाएगी। हमें एकदम स्ट्रेट चलना है। आज मैं आपको छोटी छोटी गलियों में ले जा रहा हूँ, गलियों में कार को कब टर्न करना है, कितना पहले टर्न करना है, कितना पहले सिग्नल देना है, टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए या एक्सेलेटर पे होना चाहिए, टर्निंग के टाइम आपकी कार में गियर फर्स्ट होना चाहिए या सेकेंड गियर में निकालना है, टर्निंग के टाइम क्या हाफ क्लच दबाना जरूरी है या क्लच को रिलीज करके हम कार को निकाल सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और आप एकदम अलर्ट रहिएगा, क्योंकि सीधा सीधा चलाना बहुत आसान होता है, सीधा सीधा चलाना बहुत आसान होता है। हल्का राइट रखो, हाँ बस अपना लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे। अब 200 मीटर पे अभी एक लेफ्ट का कट आ रहा है चंदन बिहार के अंदर, तो आपको क्या करना है, अभी 100 मीटर और आगे जाओगे फिर आपको देना है लेफ्ट का सिग्नल। ठीक है, लेफ्ट का सिग्नल इसलिए पहले से दे देना ताकि पीछे से जो भी बाइक स्कूटी कार आ रही वो लोग अलर्ट हो जाए कि इस गाड़ी के लेफ्ट से नहीं निकलना, ये गाड़ी लेफ्ट टर्न होगी। अभी आप लेफ्ट का सिग्नल दो फुर्ती से, राइट वाला फाइनली पैर आपका ब्रेक पे आ जाना चाहिए, ब्रेक दबाना नहीं है बट पैर होना जरूरी है, ताकि जब अभी आप टर्न करोगे उस टाइम आपकी स्पीड 0- आ जाएगी, 0-। तो यहाँ पे आपको क्लच और ब्रेक पे पैर रखना, फाइनली ब्रेक दबाना नहीं है, पैर रखना है, बस इसी गली में हमें लेफ्ट जाना, थोड़ा आगे जाने दो, अब टर्न करो फुर्ती से, टर्न करो बस, अब सीधी करो स्टीयरिंग, क्लच और ब्रेक पे ही पैर रहेगा। किसने बोला आपको एक्सेलेटर पे पैर ले जाने के लिए, किसने बोला? नहीं, भाई क्यों ले गए, वही तो मैं कह रहा हूँ 90% एक्सीडेंट के कारण तो यही होते हैं, जिस गली जाना नहीं भाई उसका पता क्यों पूछना है। फोर सिलेंडर की गाड़ी है और कोई भी गाड़ी में आपको एक्सेलेटर पे पैर ले जाने की जरूरत नहीं है, पीछे कार है उसको साइड दे दो, जाने दो। ये अपने दिलो दिमाग में जितनी जल्दी आलोक जी बैठा लोगे आप फायदे में रहोगे, क्योंकि बाई मिस्टेक एक्सीलेटर दबाने का मतलब होता है सीधा एक्सीडेंट। हमें एक्सीलेटर का इस पूरी कॉलोनी के अंदर छूना ही नहीं है, रखना तो दूर है, छूना ही नहीं है। फुल टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 से 30 टर्निंग आएंगे, हर 100 मीटर 50 मीटर पे टर्निंग पॉइंट आएगा। अब राइट का आप अपना सिग्नल दो नीचे को, लॉन्ग हॉर्न पुश करो कंटिन्यूस, और गाड़ी अपनी लेफ्ट सटा के रखो।
हमेशा राइट में जगह ज्यादा रखनी टर्निंग के टाइम, और लेफ्ट सटाओ। अब 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमाना है, हाँ बस अब वापस लेफ्ट घुमाना है फटाफट जल्दी जल्दी। अब सीधी करो फटाफट, और अपने पैरों का वजन जो है ना एडी पे रखो, पैंडल पे अगर पैर का वजन डाला तो ब्रेक लग जाएगा, क्लच दब जाएगा, क्योंकि डिस्क ब्रेक होता है। इंजन ऑन होने के बाद अगर आप 5% भी ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक वर्क करने लगता है। अब राइट का सिग्नल दो और अपना लेफ्ट सटा के राइट टर्न करना, लेफ्ट सटा के लॉन्ग हॉर्न पुश करो, ब्लाइंड टर्न है, जितना लेफ्ट रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे। लॉन्ग हॉर्न, हाँ बस। अब यहां से आराम से, ज्यादा पहले टर्न करोगे गाड़ी राइट से रगड़ जाएगी पूरी, फिर यहीं से लेफ्ट जाना है। सिग्नल, हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न पुश करना, क्योंकि इधर नाला है, अगर पहले टर्न कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। फिर सीधी करो, फिर अपना लेफ्ट ही सटा के राइट जाना, स्टीयरिंग 3 और 9 पे पकड़ लिया करो ना, लहरा क्यों रहे हो। जितना लेफ्ट सटा के रखोगे उतनी ज्यादा आपको, और स्टीयरिंग को भाई टाइट मत करो, स्टीयरिंग को मक्खन की तरीके से, आप बहुत टुकड़ों में पकड़ रहे हो उसको, ये देख रहे हो कितना हार्ड कर रहे हो, छोड़ो हाथ, ये स्टीयरिंग ऐसे चलता है, ये देखो इशारे से, इसको जितना लाइटली पकड़ोगे आप बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हो। ताकत पकड़ने में नहीं लगाते, ताकत घुमाने में लगाते हैं। दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, आपके अंदर बाइक की हैबिट पड़ी हुई है, तो बाइक में तो क्या होता है ना, स्टीयरिंग को टाइट करके पकड़ना होता है, ढीले से पकड़ेंगे कोई स्पीड ब्रेकर आएगा स्टीयरिंग छूट जाएगा, समझ रहे हैं। ये जो गलियां हैं यहाँ से कभी भी कोई भी निकल सकता, तो इसलिए हॉर्न बजाना कंपलसरी है सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे अभी बिगनर हो, लर्नर हो, तो दूध का जला दही भी फूक फूक के पीता है, तो अभी आप समझ लीजिए कि बिगनर है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, हर चीज बिफोर करना है। अब लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, राइट वाला फाइनली ब्रेक पे पैर आ जाना चाहिए। ये सेकंड गियर में मैं चलवा रहा हूँ आपको, बिना एक्सीलेटर आप सेकंड गियर में कार को गलियों में चला सकते हैं, बट आपका राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे होना चाहिए, और तरीके से होना चाहिए, सही से रखो पूरी तरीके से, छुपन छुपाई नहीं। अब यहीं से हमें लेफ्ट टर्न करना है, अब यहां से हमें लेफ्ट जाना है। सिग्नल, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, ब्रेक पे पैर रखो, हाँ अब यहां से हमें राइट जाना, अपना लेफ्ट सटा के, जितना ज्यादा राइट में मार्जिन रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे। आलोक जी सही से ब्रेक पे पैर रखो तरीके से, फिर आपने स्टीयरिंग वही कांड कर दिया मेरे भाई। इसका चक्का जो स्टीयरिंग का, एक बार दिमाग में बैठा लो कि कितना मैं घुमा रहा हूं, कितना सीधा कर रहा हूं। डेढ़ राउंड राइट पूरा घूमेगा स्टीयरिंग लॉक, डेढ़ राउंड लेफ्ट घूमेगा स्टीयरिंग लॉक, बस इससे ज्यादा नहीं है। 90 डिग्री 1.5 राउंड ये छोड़ के नेक्स्ट वाले से हमें राइट चलना है, जहां पे फ्यूगो खड़ी है। अब राइट का सिग्नल दो और क्लच दबा के इसको फर्स्ट गियर में करो, पूरा फुल क्लच दबाओ, हाँ हल्के हाथों से। राइट वाला पैर आपका सेट नहीं हो पा रहा है ब्रदर, वो कभी इधर लटक रहा है कभी उधर लटक रहा है, एक पॉइंट सेट नहीं हो पा रहा है एक प्रॉपर। जैसे लेफ्ट वाले पैर से क्लच को आपने ढक रखा है, वैसे टू उससे भी होना चाहिए। आधा पैर आपका एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में लटक रहा है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे वी दोनों जाएगा भाई, वी जाएगा लेकिन लटक क्यों रहा है ना, अभी फाइनल यहाँ बात हो रही ब्रेक की, एक्सीलेटर की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो आपने कहा टो लगना चाहिए भाई, टो लगना चाहिए, टो का मतलब है पैंडल को तो अपने पैर से पूरा फुल ढको। अच्छा, ये पॉइंट होना चाहिए जो अभी रखे हो, जो अभी आपने रखा ये प्रॉपर पॉइंट होना चाहिए। थोड़ा स्पीड बढ़ा दे, जरूरत क्या है भाई, तब ठीक। अगर स्पीड में चलवानी होती तो मैं गलियों में क्यों लाता, लाता भाई मैं तो सीधा सीधा चलवा देता, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस यहाँ आ जाएगा वो सीधा सीधा नहीं आने वाला है। आप यहाँ पे 50 बार लेफ्ट टर्न करोगे, 50 बार राइट टर्न करोगे, यहां से फिर राइट जाना है। सिग्नल, सीधी करो, गुड। टी टर्न से लेना आगे, आगे टी पॉइंट से फिर लेफ्ट जाना है, और टी पॉइंट से बिफोर लेफ्ट का सिग्नल दो, लॉन्ग हॉर्न। टर्निंग के टाइम फाइनली पैर ब्रेक पे और क्लच पे होना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना है। अभी जैसे आपने कहा था ना स्पीड बहुत धीमी हो गई,
यही गलती होती है। स्पीड धीमी चाहिए हमें, हल्का राइट दबा के लेफ्ट टर्न करना, क्योंकि लेफ्ट वाला जो आपका टायर है वो कहीं इस पे रैंप पे ना चढ़ जाए, बस टर्न करो, क्योंकि लेफ्ट में देखो इंटरलॉकिंग वाले वो पड़े हुए ईंट, तो हमें थोड़ा सा मार्जिन लेना है। देखो राइट ज्यादा लेके चले गए, जब इसको 3 और 9 पे पकड़ोगे ना स्टीयरिंग को, तो समझ में आएगा कि अभी मेरी गाड़ी का पहिया किस कंडीशन में है। और जब आप स्टीयरिंग को गलत डायरेक्शन से पकड़ोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, सीधा जाना है, पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने स्टीयरिंग कितना खींचने का एक्सीलेटर लेने के लिए। भाई थोड़ा स्लो हो गई, सब्र रखो थोड़ी सी, भाई तेज चलवाऊंगा, सब्र रखो, पेशेंस रखो अपने अंदर। दौड़ानी है कल चलिएगा शहीद पथ पे, ले चलूंगा 10 मिनट में 10 किलोमीटर चलवा के, क्लास ओवर, लेफ्ट चलना है। दौड़ाने से कोई गाड़ी नहीं सीख सकता, ये चीज अपने दिलो दिमाग में जितनी जल्दी बैठा लोगे फायदे में रहोगे। लोग स्लो नहीं चलवाते हैं, क्यों? क्योंकि गाड़ी में माइलेज नहीं मिलता है, गाड़ी के इंजन की वाट लग जाती है, क्लच प्लेटों की वाट लग जाती है, राइट टर्न करना है। स्टीयरिंग आप 50 बार घुमाओगे स्टीयरिंग में लोड पड़ता है, ब्रेक लगाते हो क्लच लगाते हो, नुकसान मेरा है हर तरीके से, और फास्ट चलवाने में फायदा मेरा है, लेकिन फास्ट चलाने से कोई सीख नहीं पाता है। अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है, सिग्नल दो राइट का। देखो पूरा कंफ्यूज हो गए, पूरा कंफ्यूज हो गए, मैंने क्या बोला और तुमने क्या किया? हम लेफ्ट जा रहे थे भाई, तुम राइट दबा रहे थे, राइट दबा के लेफ्ट टर्न कर रहे थे, मैंने कहा था लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है। ये जो स्पीड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीड होती है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो बाइक स्कूटी चलाते हैं उनको लगता है गाड़ी हमारी रेंग रही, चल नहीं रही है, पर तेज चलाने से कोई मतलब नहीं होता है, ये चल रही है। हमें जो सीखने को यहाँ मिलेगा लेफ्ट में कितना स्पेस है आइटन से, वो हमें समझ में आ रहा है। अभी लेफ्ट में हमारी गाड़ी निकली, अब हमें लेफ्ट साइड वाले ORBM को चेक करें तो हमें एक्चुअल पता चल रहा है कि जब हमने गाड़ी ओवरटेक करी है तो हमारी गाड़ी उस गाड़ी के बीच का डिस्टेंस 1 फीट का था, 2 फीट का था। ये चीज स्लो में समझने को मिलेगी, फास्ट में पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे जितनी कोशिश करो, गाड़ी दौड़ाने को मजा आएगा। जो एक जनरेशन है 18 साल से 25 साल ना, लोग सोचते दौड़ाना, पर दौड़ाना कमाल नहीं होता, दौड़ा कोई भी हाईवे पे सकता है। अब देखो आपने लेफ्ट में कितना सटा दिया, देखा नहीं देखा? अगर आप इस लेफ्ट वाले ORBM को चेक कर रहे होते तो लेफ्ट में जो क्रेटा खड़ी थी तो इतना लेफ्ट में नहीं सटाते। इसका मतलब क्या है कि आपकी लेफ्ट में नजर प्रॉपरली नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी लेफ्ट में ज्यादा सट गई। भाई बाइक वाले को आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या ही है, वो ट्रक थोड़ी लेके आ रहा है, बाइक है, ट्रक नहीं है। अब पूरा क्लच दबाओ, देन ब्रेक, फुल क्लच, धीरे से ब्रेक। अब देखो जरा राइट वाले पैर को अपने, क्या आपका पैर राइट वाला सही डायरेक्शन में है? जैसे मैंने बताया था, सही डायरेक्शन से पैंडल को ढक रखा आपने? नहीं, आपका जो राइट वाला पैर है वो क्लच के सेंटर में है और वो ब्रेक के सेंटर में होना चाहिए। चलो वो ब्रेक के सेंटर में होना चाहिए, क्लच के सेंटर में नहीं होना चाहिए। बंद हो गई, झटके से आपने क्लच छोड़ दिया, क्लच इतनी जल्दी रिलीज नहीं करना था। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।